इस पर निर्भर करती है हमारी शांति। होता क्या है कि हम यीशु को अपनी भौतिक चीजों से खुश करने की कोशिश करते हैं। हम समझते हैं कि हमने दशांश दे दिया, हम समझते हैं कि हमने चर्च में आ गए, हम समझते हैं कि हमने चर्च में कुर्सियां लगा ली, हम समझते हैं कि हमने चर्च की भौतिक चीजों से सेवा की और प्रभु खुश हो जाएगा। वो भी करना जरूरी है, लेकिन भौतिक चीजें हमें, अगर हम भौतिक चीजों के साथ परमेश्वर के पास जाएंगे तो आप हर क्षण संदेह अपने मन में रखेंगे। आपकी बीमारी में आपको संदेह होगा, आपकी परीक्षाओं में आपको संदेह होगा, आपकी जीवन की परीक्षाओं में आपको संदेह होगा। क्यों संदेह होगा? क्योंकि हम आत्मा से नहीं जुड़ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम दो बहनों की कहानियों पर गौर करेंगे और उससे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। हालेलुया। तो हमारी बच्ची पढ़ेगी अभी। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग बाइबल लाए हैं? लाए हैं कि नहीं लाए हैं? हालेलुया। जो जूम पे देख रहे हैं वो भी अपने अपने बाइबल और कॉपी पेन लेके ले लीजिए ताकि आपको परमेश्वर आशीष दे। लिखना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको वचन बोल रहा हूं उसको लिखिए ताकि आप बाद में उसको मनन कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि आप आशीष प्राप्त करें। हालेलुया। लूका 10:38-42, लूका 10:38-42, यहां पर दो बहनों के बारे में बताया जा रहा है, मार्था और मरियम। प्रेज़ द लॉर्ड। मार्था और मरियम के बारे में बताया जा रहा है, जो यीशु मसीह को जानती थी, जो यीशु मसीह से प्यार करती थी। और इसके बारे में यूहन्ना 11 में भी बताया गया कि उनका भाई भी था और किस तरीके से लाजर को परमेश्वर ने जिंदा, मुर्दों में से जिंदा किया। तो हमारी बहन पढ़ेंगी। ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। आज का जो वचन है बहुत महत्वपूर्ण है और इस वचन को अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो अद्भुत आशीष पाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए बेटा। जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसीलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। आमीन। सुनिए, क्या तुझे मेरी चिंता नहीं? मार्था, जो कि प्रभु को जानती थी, मार्था जिसने यीशु मसीह को अपने घर में ठहराया था, वचन लिखा हुआ है उसने अपने घर में ठहराया, बुलाया, बिठाया, और वो क्या कह रही है कि परमेश्वर यीशु मसीह, क्या तुझे बिल्कुल चिंता नहीं है कि मेरी बहन जो कि बैठी हुई है वो मेरी सहायता करे? मैं आपसे सवाल करता हूं, आप क्या चाहते हैं कि प्रभु आपकी क्या चिंता करे? क्या यीशु मसीह स्वर्ग से जमीन पर आकर आपकी यह चिंता करने के लिए आपके पास आया है कि आपकी बहन आपकी सहायता करे? क्या यीशु मसीह स्वर्ग से जमीन पर आकर आपकी यह सहायता करने आया है कि आपका जो भाई है जो पैसे लेकर भाग गया है वो आपका पैसा लौटा दे? आप क्या मांग रहे हैं? हम क्या प्रार्थनाओं में मांग रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा दृष्टिकोण कैसा है? हम यीशु मसीह को देखते कैसे हैं? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप उससे जुड़ेंगे तो आपका पालन पोषण वैसे ही हो जाएगा। इफिसियों 5:29 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कलीसिया उसकी देह है और वो अपनी देह की रखवाली करता है, वो अपनी देह का पालन पोषण करता है। पढ़ो बेटा, इफिसियों 5:29। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। जैसा मसीह भी कलीसिया का पालन पोषण करता है।
इसका मतलब आप कलीसिया से जुड़े हैं, आपका पालन पोषण की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? जोर से बोलिए, किसकी है? जब यीशु मसीह की जिम्मेदारी है आपका पालन पोषण करने की, तो आपको चिंता क्या है? आज मार्था कहती है कि प्रभु आपको चिंता नहीं है कि मेरी बहन मेरी हेल्प नहीं कर रही है, उसे बोलिए मेरी हेल्प करे। मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, उसे बोलिए मुझसे प्यार करे। परमेश्वर ने अपना स्वभाव आपको दिया है, अगर आप परमेश्वर का स्वभाव अपने अंदर ले आएंगे ना, तो आपका दुश्मन भी आपसे प्यार करेगा। आप सहायता की बात कर रहे हैं, आपके अंदर वो स्वभाव होना चाहिए। आज का जो मसीह है, आज का जो व्यक्ति है, उसके अंदर स्वभाव ही नहीं है। प्रेम का स्वभाव नहीं है, संयम का स्वभाव नहीं है, दीनता का, नम्रता का, सहनशीलता का स्वभाव नहीं है। इसलिए घर में रहते हुए भी दूर हैं। हम एक घर में रहते हैं, लेकिन घर में रहते हुए भी दूर हैं। अपने मन की बात आप अपने घर वाले से नहीं कर रहे हैं, आप अपने मन की बात दूसरे से कर रहे हैं जो आपसे आपका कोई भी नहीं है। क्यों? क्यों इतनी दूरी है? क्यों आपके रिश्तों में इतनी दूरी है? क्योंकि आप परमेश्वर से दूर हैं, आप प्रभु के स्वभाव में नहीं है, आपका दृष्टिकोण प्रभु के लिए सही नहीं है। हम एक दूसरे के घर में रहते हुए एक दूसरे को तोलते हैं, नापते हैं। मार्था नाप रही है कि मैंने आपको बुलाया यीशु मसीह अपने घर पर, और मेरी बहन, अब आप सोचिए, दोनों बहनें हैं, एक सेवा कर रही है और एक बैठी हुई है मरियम जो कि यीशु मसीह की वाणी को सुन रही है। आमेन। जो वाणी को सुन रही है उसके मन में चिंता नहीं है। हेलो, किसके मन में चिंता है? जो वाणी को नहीं सुन रहा है, जो वचन को नहीं सुन रहा है। आज आप कलीसिया में आते हैं, अगर आप वचनों को नहीं सुनते हैं, वचनों के अनुसार नहीं जीवन पाते हैं, तो आप सुकून नहीं पाएंगे। आपके मन में चिंता ही रहेगी, क्योंकि आपने अपने अंदर शांति का बीज नहीं बोया है। आपका विश्वास का वरदान काम नहीं कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आपने कौन सा फोन लिया मितेश? आईफोन। अगर आप आईफोन भी ले लें और उसमें आप अगर सिम कार्ड नहीं डालें, तो उससे कुछ मतलब है? कोई मतलब है? नहीं है, चलेगा ही नहीं। 2 लाख का आपने आईफोन ले लिया साहब, आवाज ही नहीं आ रही, आपका कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि आपका सिम कार्ड नहीं डाला हुआ है। अपने मसीह जीवन में पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, उसको महसूस करिए, उसको अनुमति दीजिए, उससे कहिए कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर प्रभु का स्वभाव डाल। मत मांगिए उससे, पवित्र आत्मा से कहना शुरू करिए कि मेरे अंदर प्रभु का स्वभाव है, मेरी नौकरी अच्छी हो, मेरा धंधा अच्छा हो। नो, मत पैसे के पीछे भागिए, आप भागिए प्रभु के स्वभाव के पीछे। जब परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर आ जाएगा, तब आप संदेह के दायरे से दूर हो जाएंगे, आप परीक्षाओं में भी विश्वास का अनुभव करेंगे।
आप अगर देखेंगे यही मार्था जिसने बुलाया था, उसके अंदर संदेह था, उसके अंदर विश्वास नहीं था, और यही मरियम जो यीशु के पैरों के सामने बैठी हुई थी उसके सुन रही थी, और मार्था कहती है कि मेरी बहन जो आपके सामने बैठी है उसको बोलिए मेरी सेवा करे, यही मरियम थी जिसने यीशु मसीह के ऊपर दो बार इत्र से मला, यही मरियम थी जिसने यीशु मसीह को इत्र से खुशबू से उनकी सेवा की और अपने बालों से उनके पैर पोंछकर उनको महिमा दी। मार्था ने नहीं की। अगर आप यूहन्ना पढ़ेंगे, यूहन्ना 11 का पढ़ेंगे 39 से, तो आपको पता चलेगा कि जब लाजर बीमार था, और इन दोनों बहनों ने यीशु मसीह के पास संदेश भिजवाया कि तेरा दोस्त, तेरा मित्र जो है वो बीमार है और मरने पर है, और आजा। यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा कि ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया, ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है, इसलिए इस बीमारी से परमेश्वर की महिमा होगी, इसलिए वो दो दिन के बाद गया। लेकिन वहां पर क्या हुआ, जब यीशु मसीह गया तो उसने देखा कि मरियम और मार्था ने लाजर को रखा नहीं, उसने कब्र में डाल दिया। और जब उसने पूछा मार्था से कि कहां है, तो उसने कहा कब्र के अंदर है। और जब यीशु मसीह गया उसने कहा पत्थर हटाओ, तो मार्था थी जिसने मना किया। पढ़िए बेटा 39 पढ़ा, पढ़िए। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। हाँ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, यीशु कहता है पत्थर हटाओ, और वो औरत यीशु को जानती थी लेकिन पहचानती नहीं थी। वो नहीं कहती कि पत्थर हटाओ, वो उस पत्थर के पीछे दुर्गंध महसूस कर रही है। देखिए, अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो आप अपनी परीक्षाओं में अंत देखेंगे, आप अपनी परीक्षाओं में, अपने सताव में अंत देखेंगे कि अब मेरा अंत है, मेरी बीमारी मुझे खत्म कर देगी, मेरी परीक्षाएं मुझे खत्म कर देंगी। लेकिन जब आप यीशु मसीह की नजर से देखेंगे तो उस परीक्षा के पीछे चमत्कार होगा। पत्थर हटाओ, मार्था को उस पत्थर के पीछे दुर्गंध दिख रही थी, लेकिन यीशु मसीह को उस पत्थर के पीछे जीवन दिख रहा था। आमीन। यीशु जीवन देने के लिए आया है। कभी कभी आप सोचते हैं कि साहब मेरे जीवन में परीक्षाएं क्यों आई हैं? बाइबल बताती है कि आपके जीवन में परीक्षाएं कभी कभी परमेश्वर लाता है ताकि वो आपके स्वभाव को बदले, आपको उस रास्ते से लेकर जाता है परमेश्वर ताकि आपका स्वभाव बदले। मती की पत्री पढ़ेंगे अगर 5-6-7, तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह मन की शुद्धता और मन की दीनता पर केंद्रित करता है आपको। प्रेज द लॉर्ड। मान लीजिए आप जा रहे हैं बस में जा रहे हैं और आपका किसी ने पर्स छीन लिया, और आपके पर्स में 5,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए हैं, अभी पगार मिली थी वो है, आपकी प्लानिंग सारी खत्म हो गई है, और आप अपना धीरज खो देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम उस अवस्था में अपने धीरजवंत स्वभाव को अपने संग रखेंगे, अपने विश्वास के स्वभाव को अपने संग रखेंगे, तो हम शांति पाएंगे। और अगर हमारे अंदर धीरज नहीं होगा, हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा, तो हम बेचैन हो जाएंगे, हम परमेश्वर की निंदा करेंगे, हमारा विश्वास खो जाएगा,
किसने विश्वास खोया आपका? आपके 5,000 ने, आपके 10,000 ने, जो कि एक चोर ने ले लिए, लेकिन आप भूल गए कि वो पैसा भी परमेश्वर ने आपको दिया है, वो जीवन भी परमेश्वर ने आपको दिया है। अगर मैं अविश्वास करूंगा परमेश्वर के ऊपर, अगर मैं धीरज धर कर परमेश्वर को नहीं पूछूंगा, तो मैं उस स्वभाव से वंचित हो जाऊंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, उस आशीष से वंचित हो जाऊंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। Praise the Lord। हम अपनी भौतिक चीजों को ज्यादा अहमियत देते हैं, हम समझते हैं कि हमारा ये जो पैसा हमारे बैंक में रखा है यही हमको जीवन देने वाला है। बाइबल में लिखा हुआ एक दृष्टांत कि एक आदमी जिसके बहुत अच्छी फसल हुई इस साल, और उसने कहा अपने प्राण से कहा कि हाँ इतनी अच्छी फसल हो गई है, तो उसने सारे खेतों को अपना दिया और एक गोदाम लिया। उसने कहा सारी फसल मैं रखूंगा और अभी तो मैं 8-10 साल तक, 10 जन्म तक, 2 जन्म तक, 4 जन्म तक मैं खूब खाऊंगा, मेरे पास काफी पैसा हो गया है। लेकिन बाइबल कहती है, वचन कहता है कि परमेश्वर हंस रहा था कि ए किसान, ए व्यापारी, तुझे नहीं पता कि तेरा प्राण आज ही रात को ले लिया जाने वाला है। हम नहीं जानते, इसलिए बाइबल कहती है उससे मत डरो जो शरीर को घात करता है, उससे डरो जो शरीर को घात करके नरक में डाल देता है, उससे डरो। उसको कभी भी अप्रसन्न ना करो, उसकी खुशी किस में है यह देखो कि मेरा प्रभु किससे खुश होता है। मार्था कह रही थी कि मैं खूब खाना अच्छा बनाऊंगी और यीशु मसीह को प्रसन्न करूंगी, चिकन भी दे रही थी, मटन भी दे रही थी ताकि यीशु मसीह खुश हो जाए, और मरियम कुछ नहीं कर रही थी। यीशु मसीह को क्या अच्छा लगा? मरियम का समर्पण, मरियम का प्रेम। Praise the Lord। परमेश्वर आपके प्रेम को देखता है कि आप किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से आप परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं। नयोमी और रूथ को अगर हम देखेंगे, तो नयोमी बैतलहम में जब अकाल आया तो नयोमी अविश्वास का षड्यंत्र, अविश्वास उसे उसके अंदर उत्पन्न हुआ और वो बैतलहम छोड़ के मोआब आ गई। Praise the Lord। एक चीज मैं आपको बता दूं, हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें उतार चढ़ाव आएंगे, बीमारी भी आएगी, चंगाई भी मिलेगी, आपको आशीष भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, कड़की भी आएगी, गरीबी भी आएगी, दुख भी आएंगे। लेकिन आप उस दुख में कैसे रह पाएंगे जब आपके पास ये आशीष और ये विश्वास होगा कि मेरा यीशु मेरे साथ है, वो हर विपत्ति से मुझे निकालने वाला है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मुझे निकाल चुका है, सत्यानाश और गड्ढे में से निकालकर उसने चट्टान पर मुझे खड़ा कर दिया है। लेकिन चट्टान पर खड़े होने के बाद बावजूद भी परीक्षाएं आ रही हैं। Praise the Lord, Hallelujah। आप किसको देख रहे हैं? आप यीशु को देख रहे हैं या आप अपनी परीक्षाओं को देख रहे हैं? आप किसको देख रहे हैं? आप यीशु को देख रहे हैं या आप अपनी बीमारियों को देख रहे हैं? Amen। Praise the Lord। वो मुर्दों को जिंदा करने वाला है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब हम उस आशीष को, जब हम उस विश्वास के संग अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, असंभव संभव होगा हमारे जीवन में। Praise the Lord। इसलिए मत्ती 6:1 क्या कहता है बेटा, पढ़िए मती 6:1, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हम जो मसीह जीवन जी रहे हैं वो आपको कैसे जीना है, सुनिए।
सावधान रहो। हाँ, सावधान रहो। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। आमेन, आमेन। क्या कह रहा है? सावधान रहो। बोलिए सावधान रहो। सावधान रहो। मनुष्य को दिखाने के लिए काम मत करिए, हमें परमेश्वर को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। दोबारा पढ़िए बेटे, सावधान रहो। सावधान रहो। हाँ, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। हाँ, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। कुछ भी फल नहीं पाओगे। अभी आप उपवास करने जा रहे हैं, अब आप लोगों को दिखाने के लिए उपवास करें। 11 दिन का उपवास है, घर जाते ही आप फोन करें 4 आदमियों को, यार नेक्स्ट वीक से, कल से उपवास शुरू हो गया है मेरा यार। हाँ, 11 दिन का है, मैं रख रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, एक टाइम नहीं खाऊंगा, एक टाइम तो बिल्कुल नहीं। नहीं 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 नहीं, मैंने यीशु मसीह के लिए विश्वास रख कर रहा हूँ। आप धर्म के काम दिखाने के लिए मत करो। प्रेज द लॉर्ड। उपवास का मतलब समझिए आप, दान दशांश का मतलब समझिए आप, देने का मतलब समझिए आप। यीशु मसीह ने जीवन दिया तो आज मैं और आप यहां पर हैं। मेरी उपवास प्रार्थना से कई आत्माएं जो बंधन में हैं वो आजाद होंगी। आप कैसे यहां पर हैं पता आपको? आप यहां पर आज कैसे हैं? कोई है जिसने आपके लिए उपवास किया था? कोई है जिसने आपके लिए घुटने टेके थे? कोई है जिसने प्रार्थना की थी कि मेरे भाइयों को, मेरी पूनम को, मेरी मनी को बचा ले परमेश्वर? कोई है? आमेन। कोई आपका दोस्त था? मेरी बहन, हमें उपवास और प्रार्थना उत्साह के साथ। उपवास और प्रार्थना का मतलब हम परमेश्वर के और करीब आएंगे। एक पूरा 11 दिन हमें, ये नहीं कि एक टाइम नहीं खाना तो आप उपवास कर रहे हैं, वो 11 दिन जो आप बिताने वाले हैं वो पूरी पवित्रता के संग हम बिताएं। मैं चाहता हूं कि जितने भी शादीशुदा भाई बहन हैं, अगर हो सकता है तो 11 दिन पवित्रता के साथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। समर्पित करिए इन 11 दिनों में। उपवास करिए कि नहीं, इन 11 दिनों में मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इन 11 दिनों में मैं उपवास करूंगा, मेरे अंदर ईर्ष्या नहीं आएगी, मेरे अंदर घमंड नहीं आएगा, मेरे अंदर गुस्सा नहीं आएगा इन 11 दिनों में। अपने स्वभाव को बनाना है मुझे इन 11 दिनों में, जो मुझमें कमियां हैं उनको निकालना है। यस, बहुत सी कमियां हैं हमें, छोटी छोटी बातें हमें बुरी लगने लगी हैं, छोटी सी बातें। हमने आपको पूरा शुद्ध करना है। अंतिम समय है, मुझे प्रभु के करीब जाना है शुद्धता के साथ। उपवास तोड़ने का समय मत देखिए, अपने आप को बनाइए, अपने आप को परमेश्वर को सौंप दीजिए। 11 दिन रात दिन सोते जागते प्रभु की उपस्थिति में रहिए, रहिए आप। हो सकता है इन दिनों में आपको कोई शॉकिंग न्यूज मिले, हो सकता है आपके व्यापार के लिए, हो सकता है आपकी स्कूल से, हो सकता है आपकी नौकरी के लिए, लेकिन हमें स्थिरता के साथ रहना है। धन्यवाद की आत्मा हमारे अंदर रहे। हालेलुया। यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास किया था और बाइबल कहती है वो रेगिस्तान में था। जानवरों के साथ, अगर मरकुस की पत्री पढ़ेंगे तो जानवरों के साथ था 40 दिन। और कौन ले गया था 40 दिन यीशु मसीह को? पवित्र आत्मा।
क्यों? क्योंकि यीशु मसीह परिपक्वता सिद्धता की ओर बढ़ रहे थे। हमें सिद्ध होना है। कितनों को सिद्ध होना है? प्रेज़ द लॉर्ड, हमें सिद्ध होना है। मेरे पास यीशु है, मुझे सिद्धता से आशीष पाना है, मुझे सिद्ध होना है। ये छोटी छोटी चीजें मुझे हिला रही हैं। मुझे हिलना नहीं है। मेरी जरूरत पूरी यीशु कर चुका है, मुझे आशीष दे चुका है। इफिसियों 1:3, मुझे आशीष परमपिता परमेश्वर की ओर से आत्मिक आशीषें मिल चुकी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़िए बेटा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। दी है हमें। उन आत्मिक आशीषों को इन 11 दिन में खोजना है, उनके करीब जाना है, उनको महसूस करना है। जिस तरीके से एक गर्भ की स्त्री जिसने गर्भ धारण किया होता है, वो स्त्री महसूस करती है अपने बच्चे को, अपने बच्चे के घूमने को महसूस करती है। जो माँ बन चुकी हो सब आप जानते होंगे, आप महसूस करते हैं। इसीलिए हमें महसूस करना है यीशु को, उनकी आत्मिक आशीषों को महसूस करना है, आनंद के संग रहना है, जांचना है अपने को कि मेरे अंदर परमेश्वर का स्वभाव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, चाहे मैं कहीं भी रहूं। उपवास का मतलब यह नहीं कि मैं कलीसिया में आऊं, उपवास का मतलब यह नहीं। आपने उपवास परमेश्वर को अपने अंदर आने के लिए, वो ज्योति जो यीशु है वो आपके अंदर पूरी तरीके से रहे, ताकि आपके अंदर का अंधकार दूर हो जाए, ताकि आप ये सवाल ना कहें यीशु मसीह से कि आपको चिंता नहीं है कि मेरे घर में चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है, कि आपको चिंता नहीं है कि मेरी बहन मुझे आपका सहायता नहीं कर रही है, मेरा जो पति है मुझसे प्यार नहीं कर रहा है। ये सवाल के, ये फिजूल के क्वेश्चंस मत करिए। आप यीशु मसीह के पास आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे पास मसीह है, हमारे पास मसीह का स्वभाव है, हमारे पास उसकी आत्मा है। हम छोटी छोटी बातों में इतने ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। हमारा पति लड़ने लगता है, हम चिंतित हो जाते हैं। हमारा पड़ोसी हमसे लड़ता है, हम चिंतित हो जाते हैं। हमारा लीडर हमसे लड़ता है, हम चिंतित हो जाते हैं। अरे इतनी छोटी छोटी बातों में। पता है, आप शैतान को मौका देते हैं कि वो आपके अंदर कार्य करे। आप शैतान को, जब आप चिंतित होते हैं ना, तो आप शैतान को बताते हैं कि मैं कहां कमजोर हूं, और वहीं शैतान अटैक करता है। कभी मत बोलिए कि मुझे किसी चीज की जरूरत है। नहीं, अपने मुंह से हमेशा अंगीकार करिए धन्यवाद का। धन्यवाद का अंगीकार करिए। शैतान को मौका मत दीजिए आपके बोलने से, आपके बोलने से मत दीजिए शैतान को मौका। इसलिए वो बोल रहा सावधान। अरे हम यीशु के प्रोमिसेस को भूल जाते हैं। पढ़िए बेटा मत्ती 6:25, उसका प्रॉमिस जो है यीशु मसीह का, परमेश्वर का, इतना अद्भुत है कि अगर हम उसके करीब जाएं, मैं चाहता हूं इन 11 दिनों में हम परमेश्वर के, हम यीशु के इतने करीब हो जाएं कि उसका जो प्रॉमिस है, उसके जो वचन है, उसकी जो प्रतिज्ञाएं हैं, वो मेरे जीवन में वास्तविक हो जाएं। आमीन। हम उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में होता हुआ देखें। पढ़िए बेटा, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। आप सोच रहे,
क्या चिंता है आपकी? जितने बैठे हैं सबकी यही चिंता है, जितने बैठे हैं सबकी यही चिंता है। यही चिंता है बड़े से बड़े उद्योगपतियों की, यही चिंता है हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे। चर्च आने से पहले हम क्या पहनेंगे, पार्टी पे जाने से पहले हम क्या पहनेंगे, यही चिंता है। आपको चिंता ही नहीं है प्रभु क्या चाहता है। आगे बढ़िए बेटा। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? क्या प्राण भोजन से, यानी कि जीवन जो है आपका, क्या भोजन से बढ़कर नहीं है? हेलो, जितनी चिंता आप ये करते हैं कि मैं क्या खाऊंगा, कभी आपने चिंता की है कि अगली सांस मैं लूंगा कि नहीं लूंगा? ये सांस कौन दे रहा है मुझे, ये जीवन किसने दिया है, कभी सोचा है, कभी चिंता की है कि सुबह यार उठ पाऊंगा मैं? जब वो जीवन दे सकता है तो वो आपको भोजन नहीं दे सकता है? जब उसने आपको जीवन दिया है, प्राण दिया है जो कि आप नहीं ले सकते हैं, जो आपके बस की बात नहीं है, सोचिए कि आप प्राण से बढ़कर भोजन है। और वो भोजन जो यहां से उतरते ही हम उसका स्वाद भूल जाते हैं, यहां तक के लिए हम कमाते हैं सिर्फ, आज मटन खाएंगे, आज चिकन खाएंगे, उसके लिए धोखा देंगे, झूठ बोलेंगे, घर में लाएंगे, पकाएंगे, खाएंगे, अरे अरे लड़ाइयां भी होंगी, सब कुछ होगा, और यहां उतरते ही खत्म। कोई अस्तित्व नहीं है अस्तित्व। परमेश्वर ने आपको प्राण दिया है, जीवन दिया है, उसका महत्व करिए। अगर वो आपको जीवन दे सकता है तो वो आपको भोजन भी देगा। वचन कहता है कि क्या तुमने उन पक्षियों को उड़ते हुए नहीं देखा, जो ना बोते हैं ना काटते हैं और फिर भी मैं उनको देता हूं? क्या तुमने उस घास को नहीं देखा जो आज उगती है और कल जला दी जाती है, उसको भी मैं उगाता हूं? क्या तुमने उन फूलों को नहीं देखा, उन वृक्षों को नहीं देखा जो फल लाते हैं, जो फूल लाते हैं, जो खुशबू पैदा करते हैं? क्या नहीं देखा आपने? जब परमेश्वर उनमें खुशबू डालता है, किसके लिए? आपके लिए। जब वो उनको फूलों को खुशबूदार कर सकता है तो क्या वो आपके जीवन को खुशबूदार नहीं कर सकता है? परमेश्वर के स्वभाव से ही हम अपने जीवन को खुशबूदार कर सकते हैं, लेकिन हम अपने स्वार्थ में, अपनी ईर्ष्या में, अपने लालच में, अपने झगड़े में, अपने अच्छे खासे जीवन को दुर्गंध कर देते हैं, बदबूदार कर देते हैं अपने जीवन को। अरे ये अच्छा नहीं है, इसे मत बोलो, ये अच्छा नहीं है, अरे नहीं 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 वो बहन ठीक नहीं है, अरे वो भाई ठीक नहीं है, अरे वो पास्टर ठीक नहीं है। आमीन। परमेश्वर ने आपको खुशबू दी है, अपने स्वभाव की खुशबू दी है, उसको रखिए अपने अंदर। प्रेज द लॉर्ड। अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा मत करिए। किसी भी बच्चे का, किसी भी परिवार का अगर आपसे भला होता है, प्लीज करिए, प्रार्थना करिए। कुछ नहीं दे सकते कोई बात नहीं, प्रार्थना तो कर सकते हैं, प्रार्थना करिए। आमीन। हम सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। यीशु क्या कहता है, कमियों को मत देखो, उन भलाइयों को देखो जो मैंने तुम में बसाई हैं। आमीन। अगर मैं अपने पड़ोसी में, मैं अपने दोस्त में, अपने में भाभी में, अपनी बहन में, अपनी पत्नी में अगर मैं सिर्फ बुराइयां ही देखना शुरू कर दूंगा तो मैं उससे प्यार नहीं कर सकता हूं। कर सकता हूं? मुझे क्या देखना पड़ेगा,
उसकी भलाई, उसकी अच्छाई, उस भलाई उस अच्छाई को अपना बनाओ, तब आप उससे प्रेम करेंगे, तब आपको वो चीज़ अच्छी लगने लगेगी। अरे वाह, कितनी अच्छी है मेरी पत्नी, कितनी अच्छी है मेरी सहेली, कितनी अच्छी है मेरे दोस्त, कितना अच्छा है मेरा पड़ोसी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कब होगा? जब प्रभु का स्वभाव आपके अंदर होगा। इसलिए परमेश्वर के स्वभाव के साथ चलिए। इसलिए ये चिंता मत करिए, परमेश्वर से ये मत कहिए कि आज मैंने इतना काम करना था, नहीं किया। परमेश्वर क्या तुझे चिंता नहीं है कि मेरे दो वर्कर जो ढीले हैं काम करने के लिए, उनको ताकत दे ताकि वो और करें? ठीक है। हेलो, आपके पास क्या है? अधिकार। रोज शपथ आप सुनते हैं ना, आपके पास वो अधिकार है। क्या आप यूज करते? क्या है दूसरा करुंथियन 10 का चौथा पढ़ो। आपके पास वो अधिकार है। हम शरीर में नहीं चलते लेकिन शरीर के अनुसार युद्ध करते हैं, और हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं लेकिन गढ़ों को ध्वस्त करने के वाले ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण हैं। आपके पास जो हथियार हैं ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण हैं। आप उसका यूज नहीं करते, आप यूज करिए। आपके पास वो अधिकार हैं। आप सोचेंगे यार मैं कैसे यूज कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकते? आप यूज करेंगे तभी तो काम होगा। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक कैसे काम होगा? जब तक आप यूज नहीं करेंगे आप वो काम नहीं कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप चलेंगे तो ही तो आगे बढ़ेंगे। आप खड़े रहेंगे कि आगे बढ़ेंगे? और खड़े खड़े अगर आपने सोचा कि अरे यार मैं अगर आगे बढ़ूं, पता नहीं आगे बढ़ूंगा नहीं बढ़ूंगा, पता नहीं आगे कोई ऐसा मोड़ तो नहीं आएगा कि फिर मैं अटक जाऊंगा, फिर मैं जा नहीं पाऊंगा, मत सोचिए। मरियम मगदलीनी ने कहा कि हम मसाले लेके जा रहे हैं, पत्थर कौन हटाएगा? और यीशु ने स्वर्गदूत को भेजा और पत्थर हटा दिया। आप मत सोचिए कि पत्थर कौन हटाएगा, आप सिर्फ यीशु को देखिए, पत्थर अपने आप हट जाएंगे। आप सिर्फ यीशु मसीह को देखिए, आपके जीवन के पत्थर इसी समय अपने आप हट जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पत्थर वही हटाएगा। आप क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपनी सारी शक्ति अपनी सारी बुद्धि अपने पत्थर को हटाने में लगा देते हैं, अपनी परीक्षाओं का सामना खुद करने की कोशिश करते हैं। जब यीशु मसीह की देह उस गुफा में रखी हुई थी, कितने सेकंड लगे पत्थर को हटाने में स्वर्गदूत को? 1 सेकंड। आमीन। क्या वहां खड़े हुए सैनिक हटा सकते थे? वहां लिखा हुआ है बलशाली सैनिक वहां पर पहरा दे रहे थे। स्वर्गदूत आया और उसने इमीडिएट हटा दिया। आपके जीवन का पत्थर पल में हट जाएगा, पल में। 1 सेकंड नहीं लगेगा, 1 सेकंड। आप अपने विश्वास की चट्टान को अपने साथ रखिए। आप विश्वास करिए कि यीशु मसीह आपके लिए मरा और आपके लिए जिंदा हो गया है। मेरा यीशु जो मेरे लिए मर सकता है, क्या वो मेरा पत्थर नहीं हटा सकता है? मेरा यीशु जो मेरे लिए मर सकता है, क्या वो मेरी बीमारी ठीक नहीं कर सकता है? क्यों बीमारी आपके जीवन में आती है? क्योंकि परमेश्वर कहीं ना कहीं देखना चाहता है आप में धीरज कितना है, आप में पेशेंस कितना है। क्यों परीक्षाएं आती हैं? हर एक के जीवन में परीक्षाएं आती हैं। आज आपके पास है, कल नहीं होता है। हमें
अपने मन को उसी तरीके से व्यवस्थित करना, कोई बात नहीं। Praise the Lord। हमें निंदा नहीं करनी है, हमें दोष नहीं लगाना है, हमें अपने आप को नहीं कोसना है कि अरे मैं कहां से पैदा हो गई, मैं कहां से पैदा हो गया, किसके संग मेरी शादी हो गई। नहीं 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 नहीं, मेरी बहन आज जिस स्थिति में है उसके लिए आप धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। आपकी होने वाली पत्नी के लिए धन्यवाद दीजिए, आपके होने वाले पति के लिए धन्यवाद दीजिए, जहां रह रहे हैं धन्यवाद दीजिए। जब आप धन्यवाद देंगे तब आपको उस पल का सुख मिलेगा, उस पल का सुख मिलेगा। आपको परमेश्वर हर पल सुख देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें यह नहीं कहना है कि परमेश्वर तू हमारी भौतिक सांसारिक चीजों में हमारी चिंता कर, तू हमें आशीष दे, हमें बुद्धि दे ताकि हम उस जीवन को कैसे चलें। मांगिए ना, मैं कैसे चलूं, मैं आधी रोटी में हम लोग कैसे समर्पित, हम कैसे बिल्कुल तृप्त हो जाए। दो रोटी पांच मछलियां थी ना, पांच रोटी दो मछलियां, कितने लोग थे, 12,000 लोग, क्योंकि वो यीशु मसीह ने सिखाया कि बैठो, जो यीशु मसीह के सामने बैठ जाएगा, जो बैठकर उसकी आज्ञाओं को सुनेगा, जो बैठकर उसकी आज्ञाओं पर चलेगा, उसको एक रोटी भी तृप्त कर देगी, आधी रोटी भी तृप्त कर देगी। इसलिए यह मत सोचिए कि मेरे पास क्या नहीं है, यह सोचिए कि मेरे पास क्या है। मेरे पास यीशु है, मेरे पास जीवन है, मेरे पास ज्योति है। Praise the Lord, और उसका आनंद मनाइए, आनंद मनाइए उसका जो मुझे परमेश्वर ने दिया है। Praise the Lord, हालेलुया। आज का वचन आपको पसंद आया, अच्छा लगा, आपकी बुद्धि खुली। Praise the Lord। Zoom पे जो लोग हैं उनके लिए मैं आपका आशीष मांगता हूं, अगर आपको अच्छा लगा है तो लिखिएगा कि आपको वचन अच्छा लगा है। Praise the Lord, हालेलुया। आज का वचन हम यहीं खत्म करते हैं, प्रभु आपको आशीष दे।